सिर्फ लखनऊ ही नहीं, यूपी के दूसरे शहरों और जिलों में भी बारिश से हाहाकार है। बाराबंकी में बारिश की वजह से दीवार गिरने से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। फतेहपुर में भी यमुना उफान पर है। कानपुर, इटावा और औरैया में भी हालात अच्छे नहीं है। नदियों की धार में तेजी है और शहर की सड़कों पर पानी का कब्जा है। लगातार 3 दिनों की बारिश ने संगम नगरी प्रयागराज को दरिया बना डाला। शहर के निचले इलाकों की बात ही छोड़ दीजिए, जो इलाके ऊंचाई वाले माने जाते हैं वहां भी अब पानी का ही साम्राज्य है। सड़कें जलमग्न हैं, मोहल्ले की गलियां भी लबालब हैं। प्रयागराज के जॉर्ज टाउन थाने की जरा हालत देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे ये थाना पानी के भीतर ही बना हुआ है। थाने की 1 इंच ऐसी जमीन नहीं है जहाँ पानी ना भरा हो। थाने का फर्नीचर डूब चुका है, थाना अध्यक्ष के केबिन में भी पानी भरा हुआ है। हालात ये हैं कि पुलिस वाले कुर्सी और मेजों पर बैठे हैं, पूरे थाने का हाल बेहाल है। पानी की भरने से हमारे मालखाना में, मेस में, बैरिक में, सब जगह जलमग्न हो गया है। यहाँ के कर्मचारी भोजन भी नहीं पा रहे हैं इस समय, और रहने की भी कोई व्यवस्था नहीं है। पूरे थाने में तो पानी भरा हुआ है, लेकिन समस्याएं तो है ही है, लेकिन हम लोग को ड्यूटी भी तो करना है, और ड्यूटी करने में भी दिक्कत तो ही हो रही है क्योंकि बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है। प्रयागराज के रामबाग रेलवे स्टेशन का हाल ये है कि यहाँ प्लेटफॉर्म की पटरियाँ पानी में डूबी हुई हैं। जगह जगह घुटने भर से लेकर कमर भर तक पानी भरा हुआ है। शहर की सड़कें भी तालाब बन चुकी हैं, जहाँ लोगों को आने जाने में खासी दिक्कत का भी सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे सर जब पानी बरसता है तो गाड़ी नहीं जा पाती, पैदल नहीं जा पाते लोग। हम लोग जा रहे थे, देखिए लौट रहे हैं यहाँ से। कितना पानी भरा हुआ है? कम से कम इतना पानी है सर। यूपी के फतेहपुर में पिछले 2 दिनों से भारी बारिश के चलते यमुना और ससुरखरेती नदी का जलस्तर बढ़ गया है। जगह जगह सड़कों पर पानी भरा हुआ है। कई गांवों का संपर्क मुख्य मार्ग से टूट गया है। ग्रामीण जान जोखिम में डालकर पानी भरे रास्तों से गुजर रहे हैं। ग्रामीण यहाँ पुल बनाने की मांग कर रहे हैं। पानी बरसने की वजह से हमारे गांव का संपर्क टूट जाता है, हमारे आने जाने का रास्ता बंद हो जाता है। अगर यही पुल बना होता तो हमें आने जाने में आसानी होती। यूपी के कानपुर में भी लगातार हो रही बारिश में शहर समंदर बन गया है। जगह जगह पानी भर गया है। जूही रेलवे अंडरपास पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन वहां जलभराव से निजात नहीं मिली। इस अंडरपास में एक ट्रक फंस गया, ड्राइवर ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। कृपया ध्यान दें, लगातार बारिश होने के कारण जो जर्जर मकान लगातार हो रही बारिश से कानपुर में जर्जर मकानों के गिरने का खतरा बढ़ गया है। महीने भर पहले जर्जर मकान गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई थी। अब कानपुर पुलिस घूम घूम कर लाउडस्पीकर पर लोगों से जर्जर मकानों को खाली कर देने की अपील कर रही है। जिन लोगों के जर्जर मकान हैं, उन लोगों से अनुरोध है कि वो सतर्क रहें और अपने तथा अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर रखें। इटावा में मूसलाधार बारिश के चलते जगह जगह सड़कों पर जलभराव हो गया। मैनपुरी फाटक के पास बने अंडरपास में पानी भर गया। बड़े वाहन तो इसमें से पार हो गए, लेकिन छोटी गाड़ियां और दोपहिया वाहन बंद हो गए। लोगों ने धक्का मारकर फंसी हुई गाड़ियों को निकाला। यूपी के गाजियाबाद में कुछ ही घंटों की बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। जगह जगह सड़कों पर पानी भर गया, जिसके चलते कई जगह लंबा जाम लग गया। सबसे ज्यादा परेशानी सुबह दफ्तर जाने वालों को हुई। ये तस्वीरें अमेठी की हैं, जहां एक शहीद सैनिक दिनेश कसौधन को लोग आखिरी विदाई दे रहे हैं। शहीद दिनेश कसौधन का शव उनके पैतृक गांव पहुंचा तो सैकड़ों लोगों की भीड़ जुट गई। बारिश होती रही, लेकिन लोग वहां खड़े रहे। शहीद की विदाई में शायद आसमान भी आंसू बहा रहा था। बारिश के बीच ही शहीद को सैन्य सम्मान के साथ आखिरी विदाई दी गई। अमेठी से आलोक श्रीवास्तव, प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।